हेलो फ्रेंड, दिस इज शताब्दी। वेलकम टू माय चैनल शताब्दीज वंडर वर्ल्ड। आज मैं फ्रेंड्स देवघर आई हूँ, जो झारखंड में है। अभी तो मैं जेसीडी स्टेशन पे हूँ, आप लोग देख सकते हैं। रात के 3 बजे है, बहुत ही ठंड है। यहाँ से हम लोग की जो डेस्टिनेशन होटल है वहाँ पर जाएंगे, और कल सुबह फ्रेंड्स आप लोग के साथ मुलाकात होगी बैद्यनाथ धाम पे। बैद्यनाथ टेम्पल दिखाएंगे आप लोगों को। सो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए। बाबा बैद्यनाथ जी हैं, वो माता पार्वती जी हैं। अच्छा, शक्तिपीठ है, यहाँ गठबंधन का महत्व है, यही आता है। पुराण में है, रावण हिमालय में शिव जी की दर्शन पाने के लिए तपस्या कर रहे थे, और एक एक करके अपनी सभी मस्तक शिव जी को अर्पण कर रहे थे। जब रावण ने अपनी दसम मस्तक शिव जी को अर्पण करने गए, तो शिव जी दर्शन दिया रावण को, और शिव जी ने अपनी शक्ति के माध्यम से रावण की सभी मस्तक वापस कर दिया, और महादेव ने रावण को एक वर मांगने के लिए बोला। तब रावण ने महादेव को वही शिवलिंग अपने राज्य में स्थापन करने का अनुमति मांगा। तब महादेव ने शिव रावण को एक शर्त पे वो शिवलिंग अपने राज्य में स्थापन करने का अनुमति दिया, और वो शर्त यही था कि रावण अपने राज्य में वो शिवलिंग ले जाते वक्त वो शिवलिंग कहीं ज़मीन पे रख नहीं सकते। अगर किसी कारण वजह से वो रख दिया तो वो शिवलिंग वहीं पे स्थापन हो जाएगा। तो ये शर्त रावण ने मान लिया, और रावण वो शिवलिंग लेकर अपने राज्य के ओर चल दिया। पर रास्ते में किसी कारण वजह से रावण को वो शिवलिंग किसी बच्चे के हाथ में देना पड़ा। बट वो बच्चे के लिए वो शिवलिंग बहुत भारी था, तो बच्चे ने वो शिवलिंग ज़मीन पर रख दिया। तो रावण आकर देखा कि वो शिवलिंग ज़मीन पर है, और ये देखकर रावण ने अपनी सभी शक्ति का प्रयोग करके वो शिवलिंग उठाने की कोशिश किया। बट उठाने तो दूर की बात, वो शिवलिंग को हिला भी नहीं पाए। तब से वो शिवलिंग बैद्यनाथ नाम पे प्रसिद्ध, और ये स्थान बैद्यनाथ धाम से जाना जाता है। ये बैद्यनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और इसके साथ साथ ये एक सतीपीठ भी है, क्योंकि यह सती माँ का हृदय गिरा था। इस बैद्यनाथ धाम में कुल मिलाकर 22 मंदिर है, जैसे पार्वती मंदिर, काली मंदिर, गणेश मंदिर, हनुमान जी मंदिर, सरस्वती मंदिर, बाबा भैरव की मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर इत्यादि। यहाँ एक और मान्यता ये है कि बैद्यनाथ शिव जी मंदिर से लेकर पार्वती मंदिर तक जो लाल धागा या लाल डोर बांधा जाता है, इससे पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत होता है और भी अच्छा हो जाता है। मंदिर का दरवाज़ा सुबह 4 बजे भक्तों के लिए खुल जाता है, और शाम को 6 बजे बैद्यनाथ शिव जी का श्रृंगार होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे नंदन पहाड़, त्रिकुट पहाड़, तपोवन पहाड़, नौलखा मंदिर एट्सेट्रा। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। फॉर नाउ बाय।